नमस्कार। साप्ताहिक समाचार संकलन के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि लेटेस्ट अपडेट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए अब इस अंक की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। OTT प्लेटफॉर्मों ने खुद को विनियमित करने के लिए जारी किया यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड 2020। चंडीगढ़ ने कार्बन फुटप्रिंट के आकलन करने के लिए जारी किया देश का पहला कार्बन वॉच। देश में ई मोबिलिटी संबंधित जागरूकता प्रसार के लिए केंद्र सरकार ने की गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधनों को स्वीकृति। आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय की स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज कोहार्ट की घोषणा। हैदराबाद शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मिली मान्यता। कपड़ा मंत्रालय ने की जूट आई केयर कार्यक्रम के तहत प्रमाणित जूट तीर्थ वितरण योजना की शुरुआत। केंद्र सरकार ने जारी की भारत के लिए नीली अर्थव्यवस्था नीति का प्रारूप। संसद द्वारा प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक यानी मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 को किया गया पारित। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत 6 स्थान खिसका। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 सशस्त्र बलों को पूंजीगत खरीद हेतु अधिक वित्तीय शक्तियां सौंपे जाने संबंधी आदेश को मंजूरी। अब खबरें विस्तार के साथ। कोरोना महामारी के दौरान मनोरंजन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखा गया। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की अवधि में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम सहित कई अन्य OTT पर दर्शकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ। OTT सेवाओं का अर्थ ऐसे ऐप से है जिस पर इंटरनेट के माध्यम से उपभोक्ता कई प्रकार के सेवाओं को प्राप्त करते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर वीडियो ऑन डिमांड, ऑडियो स्ट्रीमिंग, मैसेज सर्विस या इंटरनेट आधारित वॉइस कॉलिंग की सुविधाएं उपभोक्ताओं को प्राप्त होती हैं। परंतु कुछ आलोचकों द्वारा OTT प्लेटफॉर्म पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग का आरोप लगाया जाता रहा है। इनका कहना है कि इस प्लेटफॉर्म पर नई चीजों के नाम पर अश्लीलता परोसी जाती है। इसी के चलते भारत सरकार ने ऐसे संकेत दिए थे कि वह OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक कोड को ला सकती है, परंतु सरकार के विनियमन कोड को लाने से पहले लगभग 17 ओवर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्मों ने 100 विनियमन कोड के रूप में यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड 2020 को अपनाया है। आइए जानते हैं कि यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड 2020 क्या है। यह 100 विनियमन कोड 10 फरवरी 2021 से प्रभावी होगा। यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड 2020 इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। इस कोड में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को प्राथमिक कानून के रूप में स्वीकार किया गया है। इस कोड के तहत OTT प्लेटफॉर्म यह उल्लिखित करेंगे कि कौन सी ऑनलाइन सामग्री किस आयु वर्ग के लिए है। सभी OTT प्लेटफॉर्म एक उपभोक्ता शिकायत विंग भी स्थापित करेगा। इसमें उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायतों, अपीलों आदि से निपटने के लिए एक सलाहकार पैनल को स्थापित किया जाएगा। विभिन्न OTT प्लेटफॉर्मों द्वारा यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड 2020 को लाना एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में मनोरंजन के कई प्लेटफॉर्मों की उपस्थिति होने पर उनके लिए एक बेहतर स्वविनियामक की आवश्यकता पर बल देता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यह खबर संबंधित है कार्बन वॉच से। जी हाँ, हाल ही में चंडीगढ़ ने कार्बन वॉच नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य है एक व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करना। चंडीगढ़ इस तरह की पहल की शुरुआत करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। आइए जानते हैं कि इस एप्लीकेशन की क्या विशेषताएं हैं। इस एप्लीकेशन में कार्बन फुटप्रिंट की गणना कुल 4 श्रेणियों जैसे जल, ऊर्जा, अपशिष्ट उत्पादन और
परिवहन से संबंधित विवरण के आधार पर की जाएगी। इसमें कार्बन उत्सर्जन के ना केवल राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय औसत स्तर बल्कि व्यक्तिगत उत्सर्जन से संबंधित सूचना भी प्रदान किया जाएगा। इसमें आम लोगों को कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का भी सुझाव दिया जाएगा। क्या होता है कार्बन फुटप्रिंट? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कार्बन फुटप्रिंट एक उपाय है जिसमें जीवाश्म ईंधन के कारण उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर आम लोगों की गतिविधियों के प्रभाव को मापा जाता है। साधारण अर्थ में कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ विभिन्न मानवीय गतिविधि द्वारा वातावरण में जारी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा है। इस अवधारणा को एक व्यक्ति से लेकर संपूर्ण राष्ट्र पर लागू किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यह खबर संबंधित है गो इलेक्ट्रिक अभियान से। हाल ही में केंद्र सरकार ने गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य है भारत में ई मोबिलिटी और ईवी चार्जिंग यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग अवसंरचना के साथ इलेक्ट्रिक कुकिंग के लाभों के बारे में आम लोगों को जागरूक करना। आइए डालते हैं एक नजर गो इलेक्ट्रिक अभियान पर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के इस अभियान से संबंधित जागरूकता को फैलाएगा। आपको बता दें कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना भारत सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के उपबंधों के अधीन 1 मार्च 2002 को की गई थी। जागरूकता अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक चार्जिंग, ई मोबिलिटी और इसके पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना शामिल है। देश को 100% ई मोबिलिटी और स्वच्छ एवं सुरक्षित ई कुकिंग की ओर ले जाना भी इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा संबंधी जागरूकता में वृद्धि करना इसके कई उद्देश्यों में से शामिल है। साथ ही खनिज तेल के मामले में देश की आयात निर्भरता को कम करना, देश की वृद्धि दर में तेजी निम्न कार्बन उपयोग के द्वारा करना तथा जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना भी इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन के लिए स्वीकृति दे दी गई है। इस संशोधन के प्रावधान है गोद लेने का आदेश जारी करने तथा कानून के क्रियान्वयन की निगरानी का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर सुरक्षा इकाइयों और पंजीकृत बाल देखभाल संस्थाओं के कामकाज का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर सकता है। किशोर न्याय अधिनियम को लागू करने वाली एजेंसियों के कामकाज की निगरानी करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट के अधीन जिला बाल संरक्षण इकाइयां भी कार्य करेंगी। जिला मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक होगा कि नए स्थापित होने वाले आश्रय गृह की क्षमता तथा पृष्ठभूमि की जाँच करें। अगर हम बात करें किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम की तो यह अधिनियम किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 को प्रतिस्थापित करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य खासकर कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित मामलों का व्यापक रूप से समाधान करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर संबंधित है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज से। हाल ही में आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज कोहाट की घोषणा की है। इसके तहत स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आने वाले 25 शहरों के चयन की घोषणा आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा की गई है। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के लिए जिन प्रमुख शहरों को चुना गया है उसमें अगरतला, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, धर्मशाला जैसे प्रमुख स्थल हैं। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज को कोहार्ट बर्नार्ड वैन लियर फाउंडेशन तथा WRI इंडिया के तकनीकी साझेदारी से प्रारंभ किया गया है। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज 4 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया है। इस चैलेंज में सभी स्मार्ट सिटी, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों तथा 5 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यह चैलेंज 3 वर्ष का कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत
बचपन अनुकूल पड़ोस को समर्थन देना है। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज का लक्ष्य भारतीय शहरों के नियोजन और प्रबंधन में बचपन के विकास, जिसमें कि 5 वर्ष तक के बच्चों को शामिल करने का प्रावधान है, पर ध्यान केंद्रित करना है। भारत सरकार समावेशी विकास के उद्देश्य के अंतर्गत सभी कमजोर नागरिकों, विशेषकर छोटे बच्चों के लिए शहरी क्षेत्रों में अवसरों को बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। 3 वर्षीय इस कार्यक्रम के अंतर्गत चुने गए शहर छोटे बच्चों की जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में सही कार्य करेंगे। इस अवधि में इस कार्यक्रम से शहर के नेताओं, प्रबंधकों, कर्मचारियों, इंजीनियरों, शहरी प्लेनर तथा आर्किटेक्ट को भी भारत की शहरों के नियोजन और प्रबंधन में बचपन विकास पर फोकस को शामिल करने में सक्षम बनाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हैदराबाद शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। हैदराबाद ने यह मान्यता दुनिया के 51 अन्य शहरों के साथ प्राप्त की है। मान्यता प्राप्त करने वाले अधिकांश शहर अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद यह मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर है। ऑर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह मान्यता दी गई है। क्या है ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम? यह कार्यक्रम आर्बर डे फाउंडेशन और खाद्य और कृषि संगठन दोनों संस्थानों की सहभागिता से चलाया जा रहा है। इसमें उन शहरों को शामिल किया जाता है जहां अर्बन फॉरेस्ट और वृक्षों को अच्छी तरह से बनाए रखा जाता है तथा लगातार उनका प्रबंधन किया जाता है। यह कार्यक्रम सामुदायिक आधार पर वृक्षों और वनों के प्रबंधन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। इसके अंतर्गत एक शहर का मूल्यांकन जिन मानकों पर किया जाता है वे मानक हैं उत्तरदायित्व स्थापित करना, नियम निर्धारित करना, आपके पास क्या है यह जानना, संसाधनों का आवंटन करना। हैदराबाद शहर को यह मान्यता उसके हरिता हरम कार्यक्रम और अर्बन फॉरेस्ट पार्कों के माध्यम से शहरी वानिकी को बढ़ावा देने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए दी गई। हरिता हरम कार्यक्रम राज्य के हरित क्षेत्र को कुल भौगोलिक क्षेत्र के वर्तमान 25.16 से 33% तक बढ़ाने के लिए तेलंगाना सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। वहीं अर्बन फॉरेस्ट पार्क कार्यक्रम के तहत शहरों और आसपास के वन खंडों को अर्बन फॉरेस्ट पार्क में विकसित किया गया है ताकि राज्य में स्मार्ट, स्वच्छ, हरे, टिकाऊ और संपन्न शहरों का विकास हो सके। बात करते हैं आर्बर डे फाउंडेशन की। तो आपको बता दें कि आर्बर डे फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संरक्षण और शिक्षा संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1972 में नेब्रास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉन रोसेना द्वारा की गई थी। यह वृक्षारोपण के लिए समर्पित सबसे बड़ा गैर लाभकारी सदस्य संगठन है। वहीं खाद्य एवं कृषि संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि विपणन संबंधी शोध विषय का अध्ययन करता है। इस संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक शहर, जो कनाडा में स्थित है, वहां पर हुई थी। 1951 में इसका मुख्यालय वाशिंगटन से रोम स्थानांतरित किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर संबंधित है प्रमाणित जूट बीज वितरण योजना से। हाल ही में कपड़ा मंत्रालय द्वारा जूट आई केयर कार्यक्रम के तहत प्रमाणित जूट बीज वितरण योजना की शुरुआत की गई है। आइए डालते हैं एक नजर इस योजना पर। इस योजना के तहत जूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 55% से अधिक क्षेत्र में प्रमाणित बीजों का उपयोग किया जाएगा। योजना के तहत लगभग 5 लाख किसानों को प्रमाणित बीजों का वितरण किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रमाणित जूट बीजों का उपयोग करने से जूट की उत्पादकता में 15% की वृद्धि हुई है। जूट उत्पादकता में इस वृद्धि से जूट किसानों की आय में लगभग 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। वहीं अगर बात करें जूट आई केयर कार्यक्रम की, तो वर्ष 2015 में बेहतर खेती और उन्नत रेटिंग अभ्यास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत नेशनल जूट बोर्ड द्वारा की गई। इसमें सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन जूट एंड एलाइड फाइबर्स और जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जूट की खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देना तथा जूट की खेती से जुड़े किसानों की आय में वृद्धि करना। जूट, जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग जूट की थैली, चटाई, रस्सी, सूत और अन्य कलाकृतियों को बनाने में किया जाता है। भारत जूट का बड़ा उत्पादक देश है। भारत में जूट उत्पादन का मुख्य केंद्र पूर्वी भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की जलोढ़ मिट्टी है। प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर संबंधित है नीली अर्थव्यवस्था नीति के प्रारूप से। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में भारत के लिए नीली अर्थव्यवस्था नीति के प्रारूप को जारी किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 2030 तक न्यू इंडिया के भारत सरकार के विजन के अनुरूप नीली अर्थव्यवस्था नीति तैयार की है। न्यू इंडिया विजन में नीली अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय विकास के लिए 10 प्रमुख आयामों में एक माना गया है। प्रारूप नीति में भारत की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए अनेक विभिन्न क्षेत्रों की नीतियों पर बल दिया गया है। प्रारूप दस्तावेज में 7 विषयों को शामिल किया गया है। ये 7 विषय हैं: नीली अर्थव्यवस्था तथा समुद्री शासन संचालन के लिए राष्ट्रीय लेखा ढांचा, तटीय समुद्री आकाशीय नियोजन तथा पर्यटन, मरीन मछली पालन तथा मछली प्रसंस्करण, मैन्युफैक्चरिंग, उभरते उद्योग, व्यापार, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज तथा कौशल विकास, पार लदान सहित अवसंरचना तथा शिपिंग, तटीय तथा गहरे समुद्र खनन तथा अपतटीय ऊर्जा, सुरक्षा, रणनीतिक आयाम तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। आखिर क्या है नीली अर्थव्यवस्था नीति के प्रारूप का उद्देश्य? तो इस प्रारूप नीति दस्तावेज का उद्देश्य है देश की जीडीपी में नीली अर्थव्यवस्था के योगदान को बढ़ाना, तटीय समुदाय की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना, समुद्री जैव विविधता को संरक्षित करना तथा समुद्री क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना। क्या होती है नीली अर्थव्यवस्था? तो नीली अर्थव्यवस्था को महासागरीय अर्थव्यवस्था, मरीन अर्थव्यवस्था एवं तटीय अर्थव्यवस्था के नामों से भी जाना जाता है। विश्व बैंक के मुताबिक जब समुद्र के संसाधनों का उपयोग आर्थिक विकास, आजीविका तथा रोजगार एवं महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण को केंद्र में रखकर किया जाता है तो वह नीली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अपने अगली खबर की ओर। हाल ही में संसद ने प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक यानी मेजर पोर्ट ऑथोरिटीज बिल 2020 को पारित किया है। यह विधेयक प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की जगह लेगा। आइए इस विधेयक के प्रमुख प्रावधानों पर नजर डालते हैं। प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के लिए एक प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड का निर्माण किया जाएगा। यह नया बोर्ड मौजूदा पोर्ट ट्रस्ट का स्थान लेगा। आपको बता दें कि देश के प्रमुख बंदरगाहों का प्रबंधन 1963 के अधिनियम के अंतर्गत संबंधित पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। यह विधेयक बोर्ड को प्रमुख बंदरगाहों के विकास के लिए अपनी संपत्ति और धन का उपयोग करने की अनुमति देता है। बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड को भूमि सहित बंदरगाह से जुड़ी अन्य सेवाओं और परिसंपत्तियों के लिए शुल्क तय करने का अधिकार होगा। पोर्ट प्राधिकरण कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पालन को सुनिश्चित करेंगे। एक न्यायिक बोर्ड का गठन किया जाएगा जो प्रमुख बंदरगाहों से संबंधित विवादों का निपटारा करेगा। कोई भी व्यक्ति जो विधेयक के किसी प्रावधान या नियमों का उल्लंघन करता है उसे 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह कदम निश्चित रूप से देश की भागीदारी को वैश्विक जहाजरानी उद्योग में बढ़ाएगा। साथ ही यह कदम भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। वहीं इस विधेयक की आलोचना भी की जा रही है। आलोचकों का यह कहना है कि यह विधेयक बंदरगाहों का निजीकरण और भूमि उपयोग पर राज्य की शक्तियों को कम करता है, मतलब यह केंद्र को ज्यादा मजबूत बनाता है। अब यह समय बताएगा कि आलोचकों की यह आशंका कितना सही है। किस सीमा तक सही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को जारी किया गया। सूचकांक के तहत 180 देशों को उनकी सार्वजनिक व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर रैंक दी जाती है। सूचकांक में
शून्य से 100 तक के पैमाने का उपयोग किया जाता है, जहां शून्य का अर्थ सबसे कम भ्रष्टाचार और 100 का अर्थ सर्वाधिक भ्रष्ट से है। आइए अब देखते हैं कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भ्रष्टाचार के मामले में भारत सहित विश्व की क्या स्थिति है। सूचकांक में भारत 180 देशों में 86वें स्थान पर आ गया है, जबकि वर्ष 2019 में भारत 180 देशों में 80वें स्थान पर था। वर्ष 2020 के सूचकांक में भारत का कुल स्कोर 40 है, जबकि वर्ष 2019 में यह 41 था। शीर्ष 5 देशों में डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड का स्थान है, जबकि निम्न 5 देशों में दक्षिण सूडान, सोमालिया, सीरिया, यमन और वेनेजुएला का स्थान है। क्षेत्रगत आधार पर सबसे अधिक स्कोर करने वाले क्षेत्र हैं पश्चिमी यूरोप और यूरोपीय संघ, जबकि सबसे कम स्कोर प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं उप सहारा अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया। सूचकांक के अनुसार विश्व के अधिकांश देशों ने पिछले एक दशक में भ्रष्टाचार से निपटने की दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं की है। अब एक नज़र ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1993 में बर्लिन में की गई थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक भ्रष्टाचार के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करना तथा भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कार्य करना है। बढ़ते हैं अपने अंतिम खबर की ओर। हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा सशस्त्र बलों को पूंजीगत खरीद हेतु अधिक वित्तीय शक्तियां सौंपे जाने संबंधी आदेश को मंजूरी दी है। पूंजीगत खरीद से संबंधित ये वित्तीय शक्तियां उप प्रमुख के पद से नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया है। इसके अंतर्गत सेना के कमांडरों, अन्य सेवाओं के समकक्ष क्षेत्रीय और भारतीय तटरक्षक कमांडरों को 100 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत खरीद से संबंधित वित्तीय शक्तियां सौंपी गई है, जबकि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ मटेरियल, एयर ऑफिसर मेंटेनेंस, डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, अतिरिक्त महानिदेशक तटरक्षक बल के लिए 200 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत खरीद से संबंधित वित्तीय शक्तियां सौंपी गई है। मंत्रिमंडल द्वारा सशस्त्र बलों को पूंजीगत खरीद हेतु जो वित्तीय शक्तियां दी गई है, उसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। आपको बता दें कि सितंबर 2020 में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 को जारी किया गया था। रक्षा अधिग्रहण से संबंधित नई नीति के आने के साथ ही रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 को समाप्त कर दिया गया। अगर नई नीति की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें भारतीय विक्रेता को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार भारतीय विक्रेता एक ऐसी कंपनी जिसका स्वामित्व और नियंत्रण वैसे भारतीय नागरिकों के पास है जो भारत में निवास करते हैं। साथ ही इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49% से अधिक नहीं है। इसमें विदेशी खरीद के अंतर्गत विदेशी कंपनी द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को अनिवार्य किया गया है। इसमें स्वदेशी सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने की बात की गई है। स्वदेशी रक्षा सामग्रियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 101 रक्षा वस्तुओं को आयात प्रतिषेध सूची में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार साप्ताहिक समाचार संकलन के इस अंक में हमने सप्ताह भर के 11 प्रमुख खबरों पर एक नजर डाली है। अगर आपको लगता है कि हमारा यह कार्य प्रशंसनीय है, हमारी टीम के द्वारा किया गया यह जो प्रयास है वह सराहनीय है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें इस बात से अवगत कराएं। साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रमों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ ही इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।